हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। आज मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ कि ट्विंस प्रेगनेंसी के दौरान एक माँ के लिए कौन कौन से रिस्क हो जाते हैं। ट्विंस प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जो बिल्कुल टाले जा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी रिस्क होते हैं जिन पर कोई भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। सबसे पहला रिस्क होता है, वो होता है हाइपरटेंशन। ट्वींस प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरटेंशन की जो घटना होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर रहना। सिंगल प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर की जो दर रहती है वो 6.5% के आसपास रहती है, और ट्वींस में यही जो दर होती है वो लगभग 12.7% के आसपास हो जाती है, यानी कि ये समस्या दोगुनी बढ़ जाती है। अगर ट्वींस प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है तो अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो इससे आपकी टाइम से पहले डिलीवरी होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और बच्चे का अच्छे से डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता है। यहाँ तक कि हाई ब्लड प्रेशर ट्वींस प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे का मृत जन्म का कारण भी बन सकता है, माँ की हेल्थ के लिए भी एक गंभीर खतरा हो सकता है। इसलिए अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो आपको इसका तुरंत ही ट्रीटमेंट जरूर करवाना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। और दूसरी जो रिस्क होती है वो होती है प्रीक्लैम्प्सिया की शिकायत होना। प्रीक्लैम्प्सिया के जो चांसेस होते हैं वो ट्विंस प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। प्रीक्लैम्प्सिया एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें आपका हाई ब्लड प्रेशर रहने लगता है एंड आपकी जो यूरिन होती है उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। और प्रीक्लैम्प्सिया के जो लक्षण होते हैं, आपके पूरे शरीर में बहुत ज्यादा सूजन होना एंड आपका तेज सरदर्द होना और तेजी से आपका वजन बढ़ना। और अगर प्रीक्लैम्प्सिया का ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये ट्वींस प्रेगनेंसी के दौरान प्रीक्लैम्प्सिया से एक्लैम्प्सिया में बदल सकता है, जिसको टॉक्सिमिया भी कहा जाता है। एक्लैम्प्सिया जो होता है वो दौरे का कारण बनता है और ये माँ और अजन्मे ट्विंस के दोनों के लिए जानलेवा भी हो सकता है। ट्विंस प्रेगनेंसी के दौरान जो आपका हाई ब्लड प्रेशर रहता है उसको कंट्रोल करने की बिल्कुल दवाएं रहती हैं, जिससे कि आपके बच्चे को डेवलप होने का और ज्यादा टाइम मिल जाता है। लेकिन प्रीक्लैम्प्सिया का सिर्फ एक ही इलाज होता है और वो होता है आपकी जल्दी डिलीवरी कराना। और जो तीसरा होता है वो होता है जेस्टेशनल डायबिटीज, यानी कि यह एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर महिला को प्रेगनेंसी से पहले डायबिटीज नहीं होती है। डायबिटीज होने पर नॉर्मल ब्लड शुगर के लेवल को बनाए रखने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। डायबिटीज की जो प्रॉब्लम होती है वो सिंगल प्रेगनेंसी में 5% रहती है, लेकिन ट्विंस में डायबिटीज होने की जो संभावना है वो 2 गुना तक बढ़ जाती है। और जेस्टेशनल डायबिटीज आमतौर पर आपको अगर हो जाती है तो आप अपनी डाइट में और अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करके बिल्कुल इसको सही कर सकते हैं, लेकिन कुछ महिलाओं को अपने ग्लूकोज के स्तर को पर्याप्त रूप से कंट्रोल करने के लिए दवाओं की भी जरूरत पड़ सकती है। और चौथी जो रिस्क होती है वो होती है हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। ट्विंस प्रेगनेंसी के दौरान मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम बहुत अधिक होने की संभावना होती है। कुछ महिलाओं में जो मॉर्निंग सिकनेस की समस्या होती है वो बहुत ही ज्यादा हो जाती है, लेकिन कुछ महिलाओं में सिर्फ हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम डेवलप ही हो पाता है। हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम एक गंभीर मॉर्निंग सिकनेस होती है जिसके कारण माँ के शरीर के वजन में 5% की कमी हो जाती है और इस वजह से महिला को हॉस्पिटल में भी भर्ती होना पड़ सकता है। और पांचवी जो रिस्क होती है वो होती है समय से पहले डिलीवरी होने की। ट्विंस में टाइम से पहले लेबर पेन शुरू होने के बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। ट्विंस प्रेगनेंसी के दौरान टाइम से पहले दर्द शुरू हो जाता है तो इस दौरान डॉक्टर आपको दवा दे सकते हैं प्रीमैच्योर लेबर पेन को रोकने के, ताकि आपकी जो ट्विंस प्रेगनेंसी है थोड़ी सी लंबी चले। और ट्विंस प्रेगनेंसी को लंबा करने से जो आपके बच्चों के जो फेफड़े होते हैं वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं। और छठवीं जो रिस्क होती है वो होती है सी सेक्शन होने की। ट्विंस प्रेगनेंसी में बच्चे अगर अपनी पोजीशन गलत कर लेते हैं या फिर कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, जिस वजह से सी सेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा ट्विंस प्रेगनेंसी में कुछ अदर रिस्क भी होते हैं, जैसे कि कब्ज,
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की समस्या होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। और इसके अलावा महिला को डिलीवरी से पहले या फिर डिलीवरी के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने के भी चांस रहते हैं। इसीलिए अगर आपको कोई भी ट्विन्स प्रेगनेंसी के दौरान प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर को दिखाने में एंड उसका ट्रीटमेंट करवाने में बिल्कुल भी देरी ना करें, ताकि आप और आपके बच्चे दोनों ही बिल्कुल स्वस्थ रहें पूरी प्रेगनेंसी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।